आपके बेबी का हेड राउंड शेप में नहीं है या वन साइडेड है, यानी एक साइड से अंदर की तरफ दसा हुआ है और एक साइड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, या फिर पीछे से निकला हुआ है, या फिर आपके बेबी का फोर हेड जो है वो आगे की तरफ, यानी जो माता है वो आगे की तरफ निकला हुआ है। तो अगर आपके बेबी के साथ इनमें से कोई सभी कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तूनख्वा। सिर्फ दो स्टेप्स शेयर करी हूँ, पहली स्टेप बेबी हेड शेपिंग एंड दूसरी स्टेप फोर हेड की शेपिंग। दोनों को जानना जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हर मदर के लिए जानना जरूरी है। सो कहीं भी स्किप ना करें क्योंकि हर पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, उससे पहले ये बात जान लें कि बेबी की हेड शेपिंग किस एज तक हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो कहा जाता है तो 6 मंथ तक हो जाती है, क्योंकि 6 मंथ के बाद बेबी के बोन्स या जो हेड के बोन्स है वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इनकी शेपिंग मुश्किल हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 1 ईयर तक शेपिंग हो जाती है क्योंकि उनके बोन्स थोड़ा सा लेट हार्ड होते हैं। कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनके बोन शुरू से ही हार्ड होते हैं, कुछ बच्चों के 6 मंथ के बाद हार्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चों के 1 ईयर तक शेपिंग हो जाती है क्योंकि उनके बोन्स स्लोली हार्ड होते हैं। तो शेपिंग के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, 1 ईयर तक भी आप कर सकते हैं, 6 मंथ तक भी आप कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ के बच्चों की शेपिंग कब से शुरू करें, तो फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि पहले जो 3 मंथ होते हैं उसमें बच्चों की शेपिंग दिन में हो जाती है, दिन में एक साइड पे सुला के शेप सही हो जाती है। लेकिन 3 मंथ के बाद चूँकि हेड बोन्स थोड़े से हार्ड हो जाते हैं तो 3 मंथ के बाद कुछ टेक्निक्स ट्राई करने पड़ते हैं। उस टेक्निक्स की, उन सारे टेक्निक्स की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे क्या हेड जो है, यानी बच्चा परफेक्टली पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, तो मेडिकल भी रिसर्च भी इस बात की गवाही देती है कि बच्चा जो होता है या तो माँ के पेट में जब वो एक साइड पे ज़्यादातर होता है तभी उनका हेड जो है वन साइडेड हो सकता है, या पैदा होते दौरान वेजाइनल बर्थ के थ्रू भी बच्चे का सर लंबा हो जाता है, निकल आता है, या फिर सीज़र के थ्रू भी हो सकता है। सीज़र के थ्रू अक्सर बच्चों के हेड जो होते हैं वो नॉर्मल शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश किसी भी चीज़ से की गई है, वैक्यूम से या इस तरह की चीज़ों से अलाप से की जाती है तो बच्चों के हेड शेप पे इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्टली बच्चे का हेड पकड़ता है पहले। तो बच्चों की हेड शेप जो ख़राब होती है वो इस चीज़ से होती है। और एक और चीज़, जब बच्चा पैदा होता है और आप एहतियात नहीं करते, कुछ बच्चे राइट साइड पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं या लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो जिस साइड पर बच्चा लेटता है उसी साइड पर बच्चे का सर, क्योंकि सॉफ्ट होता है बोन्स, वो अंदर डंस जाता है। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपने फॉलो करनी है। शुरू करते हैं सारी प्रैक्टिकल चीज़ें। पहले बात करते हैं कि बच्चे के हेड शेपिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग 3 मंथ, जब बच्चा पैदा होता है उनका सर अगर लंबा पैदा हुआ है, आगे पीछे से निकला हुआ है या फिर साइडों से निकला हुआ है, तो जो साइड अंदर दस गई है उस पे नहीं, जो साइड बाहर निकल गई है उस साइड पे लेटाए, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जो साइड दस गई है वहाँ से फिर हड्डी शेप पकड़ना शुरू हो जाती है और वो जगह दसी हुई जगह फुल हो जाती है। अगर आप अपोजिट साइड पे लेटाएंगे, यानी जो दस गई है जो जगह अंदर उस पे नहीं, जो जगह बाहर निकली हुई है उस साइड पे ज़्यादा लेटाया करें। ये तो साइड की बात हो गई। अब बात, अगर बच्चे का सर पीछे निकला हुआ है तो बच्चे को स्ट्रेट ज़्यादा लेटाया करें, यानी सीधा स्ट्रेट लेटाया करें, कोई पिलो वगैरह साथ में ना रखें, बस बेड पे लेटा रहे हैं, चारपाई पे लेटा रहे हैं तो स्ट्रेट लेटाया करें, कोई भी सॉफ्ट चीज़ नीचे ना रखें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। बेड होता है, बेड थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत सॉफ्ट नहीं होता, तो नॉर्मल है। और ये वो कंडीशन है कि बच्चा अगर स्टार्ट से 3 मंथ के दरमियान है, अगर बच्चे की शेप, सर की शेप बिल्कुल नॉर्मल है तो उससे बचने के लिए, कि बच्चे की शेप ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए जैसे मेरी मॉम प्रैक्टिकल तरीका बताती थी कि बच्चे की फर्स्ट बेबी पे मेरे बीबी की सर की शेप, चूँकि सीज़र से पैदा हुआ था, सर की शेप गोल थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, तो मेरी मॉम कहती थी कि इसको उससे बचाने के लिए, कि सर की शेप ख़राब ना हो जाए, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक रात एक साइड पे लेटाया करें, दूसरी रात दूसरी साइड पे लेटाया करें, तीसरी रात स्ट्रेट लेटाया करें, तो इससे बच्चे की सर के बोन्स होते हैं वो सही रहते हैं। थर्ड बात करूँगी कि अगर बच्चा 3 मंथ के ऊपर है, 1 ईयर के अंदर अंदर है,
तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनकी अगर सर की शेप ख़राब है, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उनके लिए देसी तरीके जो हैं, हम इस तरह की गोल प्लेट होती है वो रखते हैं। अब प्लेट पे बच्चे को रखे, ये मेडिकली भी अनसेफ नहीं है, मेडिकली भी ये बताया जाता है, लेकिन प्लेट जब हम सीधा रखते हैं, गोल प्लेट रखते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चों के सर के बोन के हिसाब से, तो उसमें बच्चा थोड़ा सी इरीटेशन फील करता है, जिसकी वजह से हम इसमें एक क्लॉथ भी रखते हैं, कपड़ा भी रखते हैं, तो इस तरह बच्चा इरीटेट नहीं होता, अच्छी नींद सोता है। और ये आपने कब करना है? बच्चों की नींद के टाइम करना है। बच्चे के सर का जो हिस्सा निकला हुआ है उस साइड पे ज़्यादा जोर दे कि उस साइड पे बच्चा लेटे, यानी अगले शोल्डर, उससे अपोजिट शोल्डर के नीचे कोई कपड़ा रखे, कोई चीज़ रखे, ताकि बच्चा एक साइड पे हो जाए जिस साइड पे सर निकला हुआ है। ये तो साइड्स की ट्रिक हो गई। फिर प्लेट पे जल्दी बच्चे का सर ठीक होता है, ये वो तरीका हो गया। सेकेंड तरीका ये हो गया कि अगर बच्चे का हेड जो है वो पीछे की तरफ निकला हुआ है, अब पीछे की तरफ दो चीज़ें होती है, एक पीछे ऊपर टॉप होती है और एक पीछे स्ट्रेट जो लाइन बिल्कुल सीधी पीछे लाइन आती है नेक के साथ, वो होती है। अब नेक के साथ अगर बच्चे का सर निकला हुआ है तो बच्चे को स्ट्रेट लिटाया करें, सर प्लेट में जल्दी सर सही हो जाता है। अगर बच्चे के सर की ऊपर लाइन, ऊपर का जो चौड़ा है वो निकला हुआ है, तो उस कंडीशन में ये करें कि एक कपड़ा लेके उसको फोल्ड करें। ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चे की नेक को भी लॉन्ग करने के लिए, यानी कुल्ला लॉन्ग होता है, तो कपड़ा लेके बच्चे के शोल्डर के नीचे ऐसे रखें। जब शोल्डर के नीचे आप रखते हैं तो बच्चे के सर के ऊपर का चोगा है वो सीधा प्लेट के ऊपर आ जाता है, जिससे बच्चे के सर के ऊपर चोगा भी अंदर चला जाता है, बच्चे का शेप राउंड हो जाता है सर का। ये बात याद रखिए कि ये कपड़ा रखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है न्यूबॉर्न के लिए, बच्चे की नेक भी खुल जाती है और साथ ही साथ बच्चे की बॉडी शेप भी अच्छी रहती है, और ऊपर अक्सर बच्चों का सर का चोगा निकला होता है वो भी प्रॉपर सेट हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप हो गई, ये दूसरी एंड लास्ट स्टेप है कि आपके बच्चे का सर निकला हुआ है फोरहेड से, यानी माथे से, बच्चे का माथा बहुत निकला हुआ है, जो कि जाहिर है अजीब भी लगता है, तो ये भी शुरू के 3 मंथ में जल्दी शेप में आ जाता है, वैसे तो करना चाहिए। उसके ऊपर जो है 6 मंथ तक नॉर्मली इसकी शेपिंग होती है, लेकिन कुछ बच्चों का चूँकि बोन सॉफ्ट होते हैं तो 1 ईयर भी उनकी शेपिंग हो सकती है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। वैसे जिन बच्चों का फोरहेड बाहर की तरफ निकल आता है, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे न्यूबॉर्न बच्चे ज़्यादातर टाइम टमी पे गुजारते हैं, तो उसकी वजह से उनका फोरहेड चूँकि नीचे होता है, बोन सॉफ्ट होते हैं, तो वो नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ निकल आता है। इसके लिए बेहतर ये है कि न्यूबॉर्न बच्चा यानी स्टार्ट से 6 मंथ तक बच्चा जो है ज़्यादा टाइम टमी पे नहीं रहना चाहिए, टमी पे रहे लेकिन जो स्टार्टिंग 6 मंथ है उसमें कम से कम टमी टाइम गुजारे, और साथ ही साथ वो प्रैक्टिस भी जारी रखे जो आगे जाके बताने वाली हूं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? जो हेड की शेपिंग है वो तो उस टाइम करेंगे जिस टाइम बच्चा सोता है, रात हो दिन हो, जिस टाइम बच्चा सोता है उस टाइम वो सारी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ भी गए होंगे, लेकिन आप फोरहेड की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? फोरहेड जैसे ही बच्चा नींद से उठता है ताज़ा ताज़ा, तो उस टाइम ये प्रैक्टिस अच्छे से होती है। जैसे बच्चा नींद से उठता है तो उस टाइम ये किया करें कि बच्चे के फोरहेड को इस तरीके से, ये जो आपकी कलाई है इस तरीके से, अगर 3 मंथ के बाद है तो कलाई से, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी फोरहेड सख्त हो चुकी होती है, कलाई से थोड़ा सा प्रेस किया करें। ये प्रैक्टिस 10 to 15 times करें जब बच्चा ताज़ा ताज़ा नींद से उठे। और अगर बच्चा 3 मंथ से नीचे है, बहुत छोटा है, तो आपकी जो थंब फिंगर है उससे इस तरीके से दबाया करें। ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता, आपने कोई कोड़े नहीं मारने, आपने सिर्फ अपनी कलाई की मदद से हल्का सा जोर देना है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, इससे अच्छी सी शेपिंग होती है। और अक्सर अवकात ये देखा जाता है कि बच्चे के दोनों आईब्रोज के ऊपर जो टिंड होते हैं फोरहेड के, वो निकले होते हैं, आपने वो ज़्यादातर दबाने हैं, क्योंकि वो हड्डी जो होती है वो जब नीचे चली जाती है तो फोरहेड की शेप भी सही हो जाती है। अब ये भी ना करें कि आप दबाते जाए फोरहेड की शेप बिल्कुल अंदर धंस जाए। जब आपको लगे कि फोरहेड बिल्कुल फेस के साथ स्ट्रेट हो गई है तो आप छोड़ दें, फिर ये शेप कंप्लीट हो जाती है। सो फोरहेड को इस तरीके से प्रैक्टिस करें, ये भी अच्छी सी शेप इनकी बन जाती है। अगर बेबी की फोरहेड बाहर निकली हुई है, जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है जो बहुत ज़रूरी है, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ये चीज़ करें तो कितने टाइम तक करें, अगर हम हेड की शेपिंग करें तो कितने टाइम तक करें, अगर फोरहेड की शेपिंग करें तो कितने टाइम तक करें। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आपका बेबी है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, उनके बोन्स की सॉफ्टनेस हार्डनेस डिफरेंट होती है, तो आपका बेबी है, जब आपको लगे कि सही हो गया है तो छोड़ दे,
मेरे कहने पे मैं ये नहीं कह सकती कि 10 दिन करें, 2 महीने करें या 3 महीने करें। जब आपको लगे कि अब सर शेप में आ गया है तो छोड़ दें। जैसे मेरे फर्स्ट बेबी का हेड जो था माशाल्लाह से प्रॉपर शेप में था, लेकिन पीछे जो गर्दन है उनकी साइड से थोड़ा सा निकला हुआ था, तो वो चूँकि सीजर से पैदा हुआ था उनका हेड वैसे ही गोल था तो पीछे थोड़ा सा निकला हुआ था। मैं उनको ज़्यादातर स्ट्रेट ही सुलाती थी तो उनका पीछे जो निकला हुआ था वो माशाल्लाह से इतना गोल हुआ कि सब मुझे दाद देने लगे कि पहले बीबी पे आपने इस तरीके से अच्छी सी शेपिंग की है। सेकंड बीबी का हेड जो था क्योंकि एक साइड पे था, वो एक साइड पे सोता था, राइट साइड पे ज़्यादातर सोता था, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उनके साथ लेटूँ लेफ्ट साइड पे ताकि उनका झुकाव लेफ्ट साइड पे आए। उनके राइट साइड के शोल्डर के नीचे मैं कपड़ा फोल्ड करके रखती थी तो ये होता था कि उनका झुकाव मेरी तरफ हो जाता था, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पर हो जाता था, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि उनका हेड सही से बन गया। उस पर सेकेंड बेबी, फर्स्ट बेबी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगा होगा, सेकेंड बेबी पे मुझे तकरीबन पूरे मंथ यानी 6 मंथ तक लगे हैं कि मैं ये प्रैक्टिस जारी रखती थी उस पर। 6 मंथ के बाद भी थोड़ा सा साइड निकला था तो 1 साल से ऊपर तक मैं ये प्रैक्टिस अपनी तरफ से कोशिश जारी रखती थी, जिसके बाद अब माशाल्लाह से ठीक है। तो ये जो शेपिंग होती है ये हर बच्चे के लिहाज से डिफरेंट टाइम लेती है। अब जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाली हूँ हर मॉम को, तो वो ये है कि हेड शेपिंग जो है वो नेचुरली भी हो जाती है, यानी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा अगर टेढ़े मेढ़े सर के साथ पैदा हुआ है तो वो आहिस्ते आहिस्ते से उनके सर उनका सर जो होता है आहिस्ते आहिस्ते से ठीक हो जाता है, उनको शेपिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। हम शेपिंग इसलिए देते हैं कि टाइम ना गुजर जाए और ये सही हो जाए। सेकेंड वजह ये हो सकती है कि सेकेंड केस ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में किसी का सर जो शेप जो अच्छी ना बनी हो तो बच्चे की सर की शेप उस पर भी जा सकती है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, ज़्यादा कोशिश करने के बाद थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। अगर बेबी गया है उस बंदे पे जिसके माँ बाप में जिसका सर की शेप अच्छी नहीं है तो वैसी ही रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा एफर्ट्स आप करते हैं तो थोड़ी बहुत सही हो सकती है, और ये मेरा प्रैक्टिकल व्यू है। ये एफर्ट्स मैंने अपने सेकेंड बेबी पे भी की थी।